नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव कोविल है। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ जो पिछले 25 साल से अंधेरी वेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेस्टर्न सबर्ब ऑफ मुंबई। आज डायबिटिक किडनी डिजीज और किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। करीबन 35-40% पीपल विद डायबिटीज में किडनी डिजीज पाया गया है और आज करीबन 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है इंडिया में और करीबन 12.5-13 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज है। इनमें से हम अगर 35-40% लोगों को किडनी डिजीज की संभावनाएं हैं तो बहुत बड़ा लोड हो जाता है। हमें क्यों किडनी डिजीज को अर्ली पकड़ना है और हम कैसे पकड़ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पहले तो डायबिटिक किडनी डिजीज कैसे पकड़ते हैं, दो तरह के डायग्नोसिस होते हैं, दो तरह के टेस्टिंग होते हैं। एक होता है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जो एक सिंपल यूरिन टेस्ट है जो आप डॉक्टर के क्लिनिक में कर सकते हैं, लेबोरेटरी में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं। सिंपल डिपस्टिक टेस्ट है जिसमें यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो आता है और ये अगर 2 टाइम नॉर्मल से ज़्यादा आता है तो हम एक प्रॉबेबल डायग्नोसिस ऑफ किडनी डिजीज कर सकते हैं। इसके अलावा EGFR बोल के एक टेस्ट होता है जिसमें सीरम क्रिएटिनिन की ज़रूरत पड़ती है। EGFR एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मिलता है। EGFR का फुल फॉर्म है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब आपकी किडनी कितनी फंक्शन कर रही है। क्रिएटिनिन उम्र और ये डालने से आपको एक कैलकुलेशन से EGFR मिलता है। EGFR अगर 60 से कम हो तो हम उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज मानते हैं। हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज क्यों ट्रीट करना है? क्रॉनिक किडनी डिजीज से पेशेंट प्रोग्रेस होके एंड स्टेज किडनी डिजीज या डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट तक जा सकता है। और दूसरी बात है कि किडनी डिजीज जब होता है आपको हार्ट डिजीज की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। तो हर एक पेशेंट को जिसको किडनी डिजीज है हमें 2 चीज करना होता है, एक हार्ट डिजीज नहीं आए और दूसरा वो एंड स्टेज किडनी डिजीज तक नहीं पहुंचे। तो पिछले 2 दशक में काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ आए हैं जो आपको ये दोनों चीज़ों में हेल्प करती है। एक तो रास इनहिबिटर्स पिछले 2 दशक से हैं जो आपको हार्ट को भी फायदा देता है और किडनी में भी फायदा देता है। पिछले 10 साल से SGLT2 इनहिबिटर्स एक ग्रुप ऑफ दवाइयाँ आई हैं जिसमें डापाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन नाम की दवा है जो इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है, चीपर रेट्स पे अवेलेबल है और ये शुगर कम करती है बट ऑल्सो किडनी डिजीज को प्रिवेंट करती है और ट्रीट भी करती है और हार्ट को भी और हार्ट फेलियर को भी प्रिवेंट करती है और ट्रीट भी करती है। इसके अलावा पिछले 2 साल में सेलेक्टिव MRA आए हैं विच इज़ कॉल्ड एज फिनेरिनॉन, ये दवाई भी हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है उसकी टेस्टिंग करें फॉर किडनी डिजीज़, यूरिन की टेस्टिंग और EGFR की टेस्टिंग और हर साल करें ताकि हम ये प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ पाए, इसको प्रिवेंट कर सकें और इसको ट्रीट कर सकें। ये हम करते हैं तो हम डायबिटीज़ में जो एक सबसे बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन होती है किडनी डिजीज़ और किडनी फेलियर को हम कम से कम रख पाएंगे इंडिया में। थैंक यू ऑल फॉर अ पेशेंट हियर।